नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूँ नोकिया 5.3। आप लोग सोच रहे होंगे सैमसंग और ओप्पो वीवो की जगह में मैं ये नोकिया फ़ोन क्यों बार बार आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक्चुअली क्यों। पहला बात ये है, नोकिया में आपको इधर उधर का सॉफ्टवेयर नहीं मिलता है। इसमें आपको प्योर एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर आता है और 2 साल का गारंटी अपडेट्स आता है। इसका मतलब जब भी एक नया एंड्रॉयड का वर्ज़न लॉन्च होता है वो नोकिया के सारे फ़ोन में आते हैं। मतलब मेरे दोस्तों, मैंने नोकिया 1 भी यूज़ किया हुआ है जो कि एक एंड्रॉयड गो वर्ज़न है, उसमें भी एंड्रॉयड का अपडेट आता है। जब मैं उसको लिया था उसमें एंड्रॉयड 8 था, 9 हुआ, 10 भी हो गया है अभी तक। तो दोस्तों, अपडेट्स तो कन्फर्म है, ये इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है मेरे दोस्तों कि ये डुअल सिम रहता है और बहुत चीप रहता है और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 6.55 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। मेरे दोस्तों, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट प्रोसेसर है। बाकी मीडियाटेक, एक्सिनोस जो कि सैमसंग का है, ये सब क्वालकॉम के आगे कुछ भी नहीं है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्वालकॉम का जो भी फ़ोन में ये प्रोसेसर लगा रहता है वो फ़ोन्स आप देखेंगे उसमें हीटिंग इशू बिल्कुल भी नहीं रहता। दूसरी पॉइंट ये है कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग करता है, बैटरी भी बैकअप सबसे अच्छा ज़्यादा आता है क्वालकॉम प्रोसेसर्स में। ये जो मॉडल है आप देख रहे हैं, इसमें प्राइस लिखा है 18,299, बट मेरे दोस्तों मैंने ये अमेज़ोन में अभी जो रिसेंटली एक सेल आया था उसमें मैंने ये फ़ोन लिया है, इसको ओनली 10,000 रुपये में। आउट ऑफ द बॉक्स इसमें एंड्रॉयड 10 वर्ज़न आता है और इसमें 13 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 13 मेगापिक्सल का नॉर्मल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है जो कि एक क्वाड कैमरा सेटअप में आता है। बीच में इसका एक फ्लैश दिया है। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है और इसमें 4000 mAh का बैटरी है। और ये पर्टिकुलर मॉडल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेड इन इंडिया है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे दोस्तों, ये फ़ोन मेड इन इंडिया है। और आज के डेट में आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए फॉर प्रॉपर गुड क्वालिटी। तो ये देखिए, यहाँ पे ये सैंड कलर का है और मॉडल नंबर है नोकिया 5.3 TA 1.234। DS मतलब डुअल सिम, 6 मतलब 6 GB और 64 GB इंटरनल स्टोरेज। सो मैं आपको और लेट नहीं करता, इसको पहले खोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, ये तो मैंने इंग्लिश में बनाया था और ये पहले से काट चुका हूँ, तो इसको फिर से पैक करके मैं आपके लिए फिर से इसको वीडियो बना रहा हूँ। तो ये है आपका फ़ोन। जैसे कि ये फ़ोन खोलते हुए यहाँ पे लिखा है गूगल असिस्टेंट, क्योंकि इस फ़ोन में हमको डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट का बटन मिलता है। तो चलिए, फ़ोन को भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद अंदर देख लें क्या है। ये है फ़ोन मेरे दोस्तों, फ़ोन ऑन है क्योंकि मैंने इंग्लिश वीडियो के लिए ऑलरेडी इसको ऑन कर चुका था। साइड में हमको गूगल असिस्टेंट का बटन मिलता है और आपको मैं ये खोल के भी दिखा देता हूँ कि इसमें कितना सिम डाल सकते हैं और मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं या नहीं। देखिए, इसको हम केयरफुली खोलिएगा मेरे दोस्तों, ये थोड़ा टाइट रहता है, अगर आप इसको ज़ोर से खींच लीजिएगा तो ये टूट भी सकता है। ये देखिए, 2 नैनो सिम लगेगा और एक माइक्रो SD का कार्ड भी लगेगा इसमें। तो स्टोरेज एक्सपेंशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आराम से आप इसमें और एक 64 GB डाल के फ़ोन को 128 GB कर सकते हैं। नीचे एक माइक्रोफोन है, USB-C है, स्पीकर है जो कि बढ़िया साउंड आता है, 6.55 इंच का ये HD डिस्प्ले है। देखिए, 6.55 इंच का ये HD डिस्प्ले है और राइट साइड में ये आपका पावर बटन है, वॉल्यूम अप डाउन बटन है। ये पावर बटन आपका नोटिफिकेशन लाइट के
भी आता है इसमें, इसमें डेडिकेटेड नोटिफिकेशन लाइट भी है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो वाइट वाला दिख रहा है ना, ये आपका लाइट ग्लो करता है इसमें, ये नोटिफिकेशन लाइट के लिए है। ये रहा आपका 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, और ये ऊपर है और एक माइक्रोफोन, और ये 3.5 mm हेडफोन जैक है मेरे दोस्तों। ये रहा आपका वो क्वाड कैमरा जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, और इसमें फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है जो कि यूज़ किया होगा पहले से तो उसको ही पता होगा इसका इम्पोर्टेंस क्या है। पहले तो फिंगरप्रिंट सेंसर इज़ वेरी गुड, क्योंकि इसमें आपका सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ता है। और जब भी आप फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़फुल क्यों मैं बोल रहा था, जब भी आप फिंगरप्रिंट सेंसर इसको अगर ऐसे नीचे स्वाइप करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन शेड भी नीचे आ जाएगा, इसको अगर ऊपर करेंगे तो नोटिफिकेशन शेड ऊपर चले जाएगा। वो एक बहुत अच्छा चीज़ है दोस्तों, जो कि हम लोग फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर में मिलता था, और अभी आजकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर पे वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। चलिए अभी फ़ोन को हम साइड पर रखते हैं, अभी अंदर देखते हैं और क्या मिल रहा है हमको। बॉक्स के अंदर हमको एक सिम खोलने के लिए एक छोटा सा टूल मिलता है यहाँ पर। ये है एक सिलिकॉन केस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक सिलिकॉन केस है, ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस है। इसके बाद यहाँ पे हमको कुछ कागजात जैसे कि गेट स्टार्टेड और प्रोडक्ट सेफ्टी इन्फो मिल रहा है, इसको हम साइड पर रखते हैं। अंदर देखिए इस बॉक्स के अंदर एक हेडफोन भी आ रहा है, इसका क्वालिटी एवरेज है, और ये 3.5 mm का है जो कि इस फ़ोन में सपोर्ट होता है। ये रहा आपका USB-A से USB-C पोर्ट का डेटा केबल एज वेल एज चार्जिंग केबल। और बॉक्स के अंदर आपको 10 वाट का एक नोकिया का चार्जर मिल रहा है। तो ये था दोस्तों नोकिया 5.3 का अनबॉक्सिंग, और फ़ोन के बारे में कुछ कुछ अभी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि डबल टैप वेकअप भी है इसमें, फ़ोन को लिया, कुछ फ़ोटोज़ मैंने उठाया था, मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ किस तरह सा फ़ोटो उठ रहा है। कीप ऑफ, ये है नॉर्मल कैमरा, देखिए इसका क्वालिटी जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, देखिए पूरा क्लियर दिख रहा है ये सब। मैंने एक फ़ोटो उठाया था इससे पहले इंग्लिश वीडियो में, ये रहा 13 मेगापिक्सल का ये फ़ोटो है। ये है आपका 2 मेगापिक्सल का मैक्रो फ़ोटो जो कि जूम करते हैं, ये थोड़ा मैं फोकस कर नहीं पाया उसीलिए इस तरह से हो गया है। और इसके बाद आपको मिलेगा ये है वाइड एंगल कैमरा फ़ोटो, आप देख सकते हैं। तो इस तरह का फ़ोटोज़ उठते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स जेस्चर इसमें साथ है, देख सकते हैं आप, ये है आपका एंड्रॉयड 10 का जेस्चर। मैं एंड्रॉयड 10 का वर्जन भी आपको दिखा देता हूँ, देखिए अबाउट, ये रहा एंड्रॉयड 10, इसमें एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, सॉरी ये देखिए एंड्रॉयड 10। और स्टोरेज जब फ़ोन स्विच ऑन किए, मैं अभी इसमें कुछ भी ऐप इंस्टॉल नहीं किया हूँ, देखिए ये सबसे अच्छा चीज़ है इसमें, कुछ भी फालतू का चीज़ें इसमें नहीं है, जो जितना नीडेड है उतना ही है। और दोस्तों इसमें अगर कुछ आपको नहीं चाहिए ना वो भी आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा इसमें दिया गया है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐप्स इतना आते हैं इसमें। बिकॉज़ ये स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है तो उसको आपको FM रेडियो का ऑप्शन भी आ जाता है। तो अभी हम दिखाते हैं आउट ऑफ द बॉक्स कितना स्टोरेज हमको मिलता है। ये रहा बैटरी, तो 62% है स्टोरेज, ये देखिए 25% यूज़ हुआ है, 25% से 16 GB ये यूज़ हुआ है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में। ये जो स्टोरेज है ये आपका एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टोरेज लिया हुआ है, बाकी आपका स्पेस फ्री है यूज़ करने के लिए, देखिए सारी जगह में ज़ीरो है। तो ये रहा दोस्तों नोकिया 5.3, और इस डिवाइस के बारे में आपको कुछ भी डाउट हो बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सेफ रहिए, मास्क पहनिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार।